आवाज बढ़ ठीक है। प्रिय बच्चों आप सभी से नमस्कार। आज कक्षा सात में पाठ चार वायु वायु के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए बेटा, वायु जीने के लिए हमको हवा की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो इस पाठ में आप हवा के बारे में वायु के बारे में पढ़ेंगे। वायु हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। समझ में आ रहा है बच्चों? हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की चादर से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। ये हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वो वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। वायुमंडल का संघटन, वायुमंडल का संघटन, क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वो अनेक गैसों का मिश्रण होती है। वास्तव में वो अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। वृत्तारेख दिया गया है जिसमें वायु के विभिन्न संघटनों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वह सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है।
जिससे ये संतुलन बना रहता है। परंतु ये संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। वायुमंडल की संरचना अब आता है बच्चों, वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल पांच परतों में विभाजित है। वायुमंडल की संरचना वायुमंडल की संरचना वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल, हमारा वायुमंडल पांच परतों में विभाजित है। हमारा वायुमंडल पांच परतों में विभाजित है तो देखिए बच्चों, वायुमंडल की संरचना, हमारा वायुमंडल पांच परतों में विभाजित है। पहला नंबर एक है शोभ मंडल, शोभ मंडल। नंबर दो में संताप मंडल, संताप मंडल। तीसरे नंबर में है बच्चों मध्यमंडल, चौथे नंबर है वायुमंडल वायुमंडल एवं बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल एवं बहिर्मंडल। तो इस तरह से वायुमंडल की संरचना में बच्चों हम पढ़ रहे थे कि हमारा वायुमंडल पांच परतों में विभाजित है, शोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल तो शोभ मंडल के बारे में देखें विस्तार। ये परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। ये परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है।
हम इसी मंडल पे मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, पूरा एवं ओला वर्षण इसी परत के अंदर होती। संताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग संताप मंडल कहलाता है। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग संताप मंडल कहलाता है। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ये परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। संताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। ये परत सूर्य की आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। अब आता है मध्यमंडल। ये वायुमंडल तीसरी परत है। ये वायुमंडल की तीसरी परत है मध्यमंडल। ये संताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। अब है वायुमंडल। वायुमंडल वायुमंडल के बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे एवं परत द्वारा उन्हें पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहाँ यही से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। मौसम एवं जलवायु आ गया। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुझसे एक दिवसीय मैच के भविष्य में अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वो है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, स्थित होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वो वायुमंडल का तापमान, वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वो ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन सूर्यतप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में ऐसा फील्ड बड़ी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट के बने भवन
गर्म हो जाते हैं, रात के समय यही ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। वायु का ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर कुछ दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, ये निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट रूप स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है और उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। अब आता है आपका पवन। पवन क्या चीज है? पवन के बारे में देखिए, उच्च दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर निम्न दाब क्षेत्र की ओर उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्षेत्र की ओर वायु की गति को वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन कहते हैं। ये आपका पॉइंट हुआ। पवन पवन की परिभाषा है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति जो होती है उसको हम पवन के नाम से जानते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं, जब ये सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती तथा तूफान के साथ पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे वहीं धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसे इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। तीन अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। स्थायी पवने नंबर एक में है, नंबर एक स्थायी पवने नंबर एक में स्थायी पवने। नंबर दो में है बच्चों
मौसमी पवने मौसमी मौसमी पवने मौसमी पवने नंबर तीन में है स्थानीय पवने नंबर तीन में स्थानीय स्थानीय पवने पवने ये इस तरह से पहले तो पवन की परिभाषा आपने देखा और दूसरा है बच्चों स्थाई पवन के प्रकार तो पहला स्थाई पवन दूसरा है मौसमी पवन तीसरा है स्थानीय पवन स्थाई पवने व्यापारिक पछुआ व्यापारी व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने स्थाई पवने है ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है मौसमी पवने ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने स्थानीय पवने ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीप क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है जिसे कहते हैं लू आर्द्रता अभयम जब वायु पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प बन जाता है वायु भी किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं आर्द्रता आर्द्रता क्या चीज है आर्द्रता देखो आर्द्रता आर्द्रता जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है वाष्पित होता है जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प बन जाता है तो ये जलवाष्प बन जाता है वास्तविक होता है तो ये जल तो यह जल वाष्प बन जाता है वायु में किसी भी समय वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा जलवाष्प की मात्रा वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता
आर्द्रता कहते हैं। वायु में किसी भी समय दबाव की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता कहते हैं। अब आता है बच्चों, जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संग्रहित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जलबूंदों को जलबूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संग्रहित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संग्रहित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भाव जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के तीन प्रकार होते हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। तो इस तरह से बच्चों ये आपका पाठ है, वायु पाठ है। अब इसमें देख ले, सही जोड़ी में निम्नलिखित में है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? ओजोन। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन है? सौरमंडल। वायुमंडल के निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? संभाव मंडल। इसमें बादल नहीं है। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु का क्या होता है? घटता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्षा। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ी बनाइए। व्यापारिक पौने, स्थानीय पौने, लू स्थानीय पवन, व्यापारिक पौने स्थायी पवन, मानसून मौसमी पौने पवन, पवन की क्षेत्रीय गति। चलिए बच्चों, ये पाठ पूरा हुआ। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।